पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन भानु की तहसील स्तरीय मासिक पंचायत तहसील प्रांगण सदर पीलीभीत में जिलाध्यक्ष भजनलाल क्रोधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। पंचायत ने नायब तहसीलदार प्रखर सिंह, जिला वाट माप अधिकारी सहायक नंदिता गुप्ता मौजूद रही। पंचायत को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष भजनलाल क्रोधी ने कहा कि किसान बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। किसान बड़ी मुसीबतों से गन्ना पैदा कर रहा है, लेकिन उसके साथ हर क्रय केंद्र पर खतौली की जा रही है। चीनी मिल वालों को किसान जब धर्म कांटे से तौल कर गन्ना केंद्र पर ले जाता है, तब क्रय केंद्र प्रभारी धर्म कांटे की पर्ची को नहीं मानता है। वह उसमें ट्रॉली 1 से 2 क्विंटल का फर्क निकलता है कि पूर्ण जिम्मेवारी वार्ड मैप अधिकारी पीलीभीत की होगी। उसके संज्ञान में रहते हुए किसानों की घटतौली का भ्रष्टाचार हो रहा है। पंचायत को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष रामगोपाल प्रजापति ने कहा कि पीलीभीत के सभी पेट्रोल पंपों पर घटतौली की जा रही है, जो जिला बाट निरीक्षक व पेट्रोल पंप मालिकों का जिला पूर्ति अधिकारी की मिलीभगत से घटतौली का कारोबार चल रहा है। पंचायत को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष नंद किशोर राठौर ने कहा कि पीलीभीत सदर तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सबसे ज्यादा इस पीलीभीत जनपद में इतनी भ्रष्टाचारी है, इतनी रिश्वतखोरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से इतने सख्त निर्देश होने के बावजूद भी छोटे से छोटा कर्मचारी, बड़े से बड़ा अधिकारी बगैर पैसे के हमारे किसान भाइयों के, गरीबों के कोई काम करने को तैयार नहीं है। एक ये देखिए जिंदा मिसाल है, हमारे ये जो मीरपुर के हैं, इनसे 4,000 रुपये बताइए, खाली विरासत के लिए 4,000 रुपये जो मांगे जा रहे हैं। अभी जब हमारे अध्यक्ष सामने जब फोन लगाया तो वो यहाँ से भाग गया एक बार दाखिल खारिज के लिए। बताइए इतनी भ्रष्टाचारी हर महकमे में, पीलीभीत से ज्यादा कहीं भ्रष्टाचारी है नहीं। और सबसे ज्यादा हमारा किसान भाई, आज यहाँ हमारी मीटिंग भी है भारतीय किसान यूनियन भानु की, तब ये हालत है। अभी वहाँ हमारे नायब साहब गए थे मीटिंग में, उनसे हमारे अध्यक्ष सामने हम सब लोगों ने बात की, तो वो भी कह रहे थे भाई हर जो है बाबू, हर कर्मचारी पैसा लेता ही है। अब बताओ क्यों लेता है पैसा? ये नायब साहब ने कहा था कि सब पैसे लेते हैं, तो हमारे अध्यक्ष साहब भी थोड़े से नाराज हुए, तो वो कह रहे थे आप थोड़े हल्के बोले। अरे हल्के क्या बोले, हर किसान हमारा लूट रहा है। उधर खेती में जानवर जो डकैती डाले पड़े हैं, जो सारी फसल खा जा रहे हैं, उधर इधर किसी काम को किसान आता है तो यहाँ जो अधिकारी लोग उसे जो है नोच लेते हैं। चलिए ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।